नमकीन भंडार कोटा कचहरी वालों की शॉप पर वहीं का ये वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए लड्डू क्या शानदार है, ये मावे की कचौड़ी है, ये पेठा है, ये देखिए ग्राहकों की लाइन लगी हुई, सुबह नाश्ते का समय है, ये देखिए कचौड़ी, दाल की कचौड़ी है, प्याज की कचौड़ी है, मिर्ची बड़ा है, ब्रेड पकौड़ा है, ये देखिए ये क्या भैया, मक्खन बड़ा, ये मक्खन बड़ा है जी, बालूशाही भी बोलते हैं, बालूशाही भी इसको बोलते हैं, ये देखिए जलेबियां हैं, ये क्या है, ये भुजिया, भुजिया है, ये देखिए इधर कचौरियां तैयार हो रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं इनका सेटअप। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? भोला राम जी, ये काम कब से कर रहे हो? 30 साल हो गई। ये देखिए ये दाल की कचौरी है या किस चीज की है? दाल की कचौरियां बन रही हैं, देखिए ये तैयार कर रहे हैं और फ्राई करने के लिए तेल में डाल रहे हैं। ये देखिए ये इनकी राजस्थानी कढ़ी है, बहुत ही शानदार व टेस्टी। इधर कढ़ाई नाश्ता करें, सुबह का समय है। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? ये आप ओम नमकीन वालों के यहाँ नाश्ता कर रहे हो, इसका टेस्ट कैसा है, चटनी वगैरह? पहली बार आए हो या पहले भी आए हो? पहली बार है। ये देखिए मसाला बना हुआ है, ये इनकी स्पेशल भुजिया है, ये जलेबियां है, ये देखिए ये मक्खन बड़ा है, कढ़ी देखिए क्या शानदार है, नहीं यूट्यूब चैनल भरत सिंह ब्लॉग। ये देखिए नाश्ता कर रहे हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? ये जो आप कचौरी खा रहे हैं और साथ में कढ़ी है और साथ में जलेबियां हैं, इनका टेस्ट आपको कैसा लग रहा है थोड़ा बताएं? पहली बार आए हो पहले भी आए? बराबर, टेस्ट शानदार है। ये जो राजस्थानी कढ़ी है इसका जायका कैसे है? बढ़िया। ये देखिए ये तीन तरीके की चटनी है। ये जो मक्खन बड़ा है ना, जयपुर का प्रसिद्ध है, इसको यदि आप खाओगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। ये देखिए इनकी दाल की कचौरी है, प्याज की कचौरी है, मिर्ची बड़ा है, ब्रेड पकौड़ा है, समोसा है, बहुत ही शानदार आपको सुबह का नाश्ता मिलेगा। तो देखिए तैयारियां चल रही हैं। भैया नमस्कार, आपका नाम? वीरपाल जी, जो ये आपकी ओम नमकीन भंडार कोटा कचौरी वाली चांदपोल पे शॉप है, ये लगभग कितनी वर्ष पुरानी होगी? अभी तो 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। मुख्य रूप से आप क्या क्या आइटम तैयार करते हो? मिठाइयां भी है, मावा कचौरी है, लड्डू है, पेठा है, आपकी सबसे कस्टमर को आपका कौन सा आइटम सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? हर एक आइटम ज्यादा बढ़िया है, दाल की ज्यादा पेश है। ये देखिए ये कारीगर हैं जो कचौरी वगैरह तैयार करते हैं। ये देखिए जलेबियां कितनी करारी है, कड़ी टू कड़ी।
ये मक्खन वड़ा है, ये देखिए कचौड़ियाँ तैयार हो रही है। ये देखिए कचौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। ये कारीगर जी कितने समय में तैयार हो जाती है? लगभग 20-25 मिनट में। तो ये आंच तेज कैसे कर रखी है आपने इतनी? ऊपर आने के लिए फिर आंच मंदी आंच में सेकोगे? ये देखिए सिकाई हो रही है, लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे। एक बार में कितनी कचौड़ियाँ तैयार होती हैं? 100। भैया नमस्कार, आपका शुभ नाम? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद जी, आप ये जो ओम नमकीन भंडार वाली शॉप है, इस पर कब से आ रहे हो? यहाँ आ रहे हैं हम 5-6 महीने से। 5-6 महीने से। इनके टेस्ट कैसा है? कढ़ी वगैरह का, कचौरी है, समोसा है, जलेबी है, मक्खन बड़ा है, आप संतुष्ट हैं खा के? आप भी ले लो। लेंगे बिल्कुल, एक बार आए। देखिए सुबह के समय है, ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। बहुत ही स्वादिष्ट और शानदार कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़ा, ब्रेड पकौड़ा, जलेबियाँ, मक्खन बड़ा, पेठे और भुजिया और बहुत सी मिठाइयाँ आपको इनके यहाँ मिलेंगी। नमस्कार, क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? साकिर जी, कब से आ रहे हो इनकी शॉप पर? इनकी शॉप पर 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। कौन सा आइटम ज्यादा पसंद है इनका आपको? जलेबी। जलेबी, कचौरी। टेस्ट वगैरह बढ़िया है? एक नंबर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताना कि ओम नमकीन भंडार कोटा कचौरी, चांदपोल वालों की रेसिपी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताना।